तो गाइस आज हमने अमेजोन से M35 सैमसंग का फ़ोन मंगाया है, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से। ये हमको पड़ा है 14,000 का। वाह, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका कुछ बिल है अमेजोन वालों की तरफ से। इसको साइड में, अब ये अपना मेन फोन है। इस पे ऐसे एक सील इधर लगी हुई है, यहाँ पे एक सील इधर लगी हुई है, तो इस सील को निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये फोन है, इसके अंदर पहला लुक फोन का। ये फोन ऐसी पैकिंग में है, बिल्कुल इको फ्रेंडली। पहले इसमें प्लास्टिक आती थी, अब ये बिल्कुल 15 रुपये इसका प्राइस भी, 15 रुपये इसका प्राइस भी। पेपर के जैसा है ये कुछ, और इसमें इसमें एक सिम इंजेक्टर टूल है अपना नॉर्मल सा, वही सैमसंग का। और इसके अंदर कुछ ये यूजर गाइड मैनुअल और एक ये लाइटनिंग केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लॉन्ग है केबल। तो ये सब करते हैं साइड में और देखते हैं फोन। फोन को मैं ओपन करता हूँ। फोन का लुक काफी मस्त लग रहा है यार, में देखने में। ये 128 GB 6 GB वाला वेरियंट है, और ये कलर देखिए इसका कैसा है। ये देखिए कैसा शाइनी है, देखिए इसमें कैसा शाइन कर रहा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ और बॉक्सी डिजाइन है इसका राउंड में से। देखिए मुझको काफ़ी अच्छी डील लगी। इसमें एक चार्जिंग पोर्ट है, एक स्पीकर ग्रिल है, लेकिन इसमें आपको वो देखने को लिए नहीं मिलेगा। थ्री पॉइंट 5 mm का जैक। और देखिए फोन में कैसी लुक आ रही है, देखिए कैसा लुक आ रहा है। पंच होल डिस्प्ले है इसके अंदर, पंच होल डिस्प्ले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पंच होल डिस्प्ले है इसके अंदर। अभी मैं इसको पावर ऑन करके दिखाता हूँ। ये फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका, इसके साथ में पावर बटन भी यही है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी यही है। लेकिन ओवरऑल लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फ़ोन का सैमसंग की तरफ से। थोड़ा हाथ में लेने में प्रीमियम फील हो रहा है। अभी पावर ऑन करके देखते हैं। वेलकम आप सबको, इन पर एग्री करना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए। एग्री कर देते हैं। सैमसंग वालों ने मुझे चार्ज मिला है, 52 चार्ज मिला है। सेटअप मैनुअली स्किप स्किप।�
बाद में सेट करने के टाइम वगैरह। अभी मैं आपको लाइट वाली थीम चला के दिखाता हूँ। ये देखिए फोन ऑन हो चुका है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए इसकी स्क्रीन में पंच होल डिस्प्ले काफ़ी प्यारी लग रही है। देखिए बहुत ही प्यारा सा फ़ोन है। इसके बराबर में जितने बेजल्स हैं बहुत काफ़ी, मतलब जितने इधर हैं उतने ऊपर हैं, नीचे नीचे हैं उतने ऊपर हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन, काफ़ी स्मूथ टच है इसकी। कैमरा क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। 1250 में आप इसको चेंज कर सकते हैं, 12 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल में। पोर्ट्रेट इफेक्ट, वीडियोग्राफी में आप इसमें अल्ट्रा HD में 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और फुल HD में 60 FPS तक। और HD का एक और मोड है। वीडियोग्राफी की बात करें तो इसमें स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, सिंगल टेक, हाइपरलैप्स, माइक्रो पैनोरामा, प्रोड नाइट, प्रो वीडियो, प्रो, ये सब इसके अंदर हैं। आप जैसे मर्जी शूट कर सकते हैं। 12 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रहा है। फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं वीडियो के एंड में इसके फ़ोटो आपको डाल दूँगा। ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है।